आठ बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। तो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। दो लोग, पांच लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है। और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए, उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। यह हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, यह दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। मगर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए, यह जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है, सिलेंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है? ये किसके हाथों में जा रहा है? ये वही 5 पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। सारा का सारा धन आपके जेब में से निकाला जाता है, किसानों के परिवारों के जेब में से निकाला जाता है और इन्हीं 5 लोगों को दिया जाता है।